अगर किसी प्रोजेक्ट किसी सोशल वेंचर को इम्प्लीमेंट अगर नहीं भी करते तो कम अज़ कम डिज़ाइन करने के काबिल ज़रूर हो जाए तो इस मॉड्यूल में हम कुछ की क्वेश्चन पर बात करेंगे जो कि एक सोशल वेंचर को प्लान करते हुए आप अपने आप से पूछते हैं सो एज अ स्टार्टिंग एज अ न्यू सोशल एंटरप्रेन्योर आपका पहला क्वेश्चन जो है वो आपके बिग आइडिया या जो आपका न्यू सोशल वेंचर है उसके बारे में होता है कि आपका आइडिया क्या है वो किस तरह से कौन से मसले को हल कर रहा है कौन सी नीड को एड्रेस कर रहा है किस तरह से कर रहा है क्या वाकई ये आइडिया जो है वो वर्थ पर सुंग है क्या ऐसा तो नहीं है कि चूंकि आप सोच रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्या आपने स्टेक होल्डर्स जो हैं उनसे बात की ख़ास तौर पर वो लोग जिनकी ज़िंदगियों में आप डिफरेंस लाने की चेंज लाने का सोच रहे हैं अपने आइडिया की इम्प्लीमेंटेशन के ज़रिए से उनके हवाले से आपके पास कोई मालूम हैं उनकी नीड्स क्या हैं आपको ये भी देखने की ज़रूरत है कि और कुछ लोगों ने या किसी और ने किसी और आइडिया के ज़रिए से ऐसी किसी नीड को पूरा करने की कोशिश की या ऐसे किसी आपके आइडिया से मिलते जुलते किसी आइडिया को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की अगर हाँ तो क्या नतीजा निकला ये जो सवाल हैं आपके अराउंड योर आइडिया दे एक्चुअली हेल्प यू टू रिफाइन योर आइडिया टू मेक इट मोर क्लियर जिसको आप कह सकते हैं विशन एनविजन करना ये आपके आइडिया को एनविजन करने में आपको हेल्प करता है सेकेंड सेट ऑफ क्वेश्चन जो आप अपने आप से एज अ सोशल एंटरप्रनोर प्लानर अपने आप से पूछते हैं वो आपका सोशल एंटरप्रन्योरशिप का मॉडल है खास तौर पर उसकी सस्टेनबलिटी के हवाले से इस कोर्स में कुछ पहले मॉड्यूल्स में हमने सोशल इंटरप्रीनशिप के मुख्तलिफ मॉडल्स के हवाले से बात की थी कि वो इंटिग्रेट हो सकते हैं एम्बेड हो सकते हैं फार प्रॉफिट नॉर् प्रॉफिट हाइब्रिड, मुख्तलिफ किस्म के मॉडल्स का हमने जिक्र किया था ना इज़ द टाइम के उन मॉडल्स के बारे में आपकी जो अंडरस्टैंडिंग जो नॉलेज है उसको आप इस्तेमाल करें जो आप आइडिया इम्प्लीमेंट करने के लिए जो आपकी स्ट्रेटेजी है जो आपका मॉडल है वो कितना प्रैक्टिकल है ऑफकोर्स इन टर्म्स ऑफ आपकी जो कैश नीड्स हैं आप उसके बारे में सोचेंगे आपके जो फंडिंग सोर्सेज हैं आपको उसके बारे में एक्सप्लोर करना है कि मेरे पास आइडिया है लेकिन क्या मेरे पास फाइनेंशियल रिसोर्स हैं अगर नहीं तो कहाँ से आएंगे किस फॉर्म में होंगे क्या मैं कुछ प्रोड्यूस करके उससे जो प्रॉफिट हासिल होगा वो किसी सोशल कॉज में मैंने इन्वेस्ट करना है या मैंने सोशल कॉज को ही प्रोडक्ट या सर्विस बना लेना है या मैंने डोनेशन जो है वो रेज करना है किस तरह से आपके फाइनेंशियल रिसोर्स होंगे आपकी प्रोजेक्शंस क्या हैं कि कितने टाइम में आपको कितने रिसोर्स चाहिए किन प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को डिलीवर करने के लिए आप किस तरह से एलोकेशन करेंगे और एक दफ़ा अगर आपकी प्रोडक्ट या सर्विस कामयाब हो जाती है लोगों की ज़रूरत को पूरा करती है उनके मसाइल को हल करती है तो फिर उसको बढ़ाने के लिए जिसको इकोनॉमी ऑफ स्केल कहते हैं वो स्केलिंग अप करने के लिए रिसोर्स जो हैं क्या वो फ्रॉम वदन द एंटरप्राइज निकलेंगे प्रॉफिट से आएंगे उसको री करना है या फर्दर डोनेशन और फंडिंग जो है उसको देखना है नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस जो आपको अपने आप से एज पोटेंशियल सोशल एंटरप्रेन्योर पूछना है वो मार्केट के हवाले से है जो सोशल सर्विस या जो प्रोडक्ट आप इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं उसकी मार्केट कहाँ पर है कौन लोग हैं जो उससे फ़ायदा उठाएंगे या उसको परचेज़ करेंगे या इनडायरेक्टली जो परचेजर्स हैं उनसे जो प्रॉफिट आएगा किन लोगों को उससे फ़ायदा होगा दोनों तरह के आपके स्टेक होल्डर्स हैं क्योंकि बाजात आप हाइब्रिड मॉड में काम कर रहे होते हैं जहाँ प्रोडक्ट कोई और होती है और उसको बाय करने वाले लोग कोई और हैं और जो आपकी सर्विस है जो सोशल इम्पेक्ट है वो कहीं और हो रहा है वो स्टेक होल्डर्स फर्क होते हैं इसी तरह मार्केट में आपके कंपेटिटर्स होंगे कुछ लोग जिन्होंने उस आइडिया को पहले इम्प्लीमेंट किया होगा कुछ लोग जिन्होंने उस नीड को पहले पूरा करने की कोशिश की होगी कुछ लोग जिन्होंने उस कम्युनिटी को पहले सर्व करने की कोशिश होगी तो ये किस्म के कम्पटिशनस हैं जिनका आपको सामना है आपका कम्पटिव एडवांटेज क्या है आप कैसे उस कम्पटिशन को अपनी फेवर में कर सकते हैं क्या आपके पास कोई ख़ास सेट ऑफ़ स्किल्स है जो दूसरे जो आपके ऑलरेडी कम्पटर्स मौजूद हैं मार्केट में उनसे मुख्तलिफ है आपकी पोडेंशल मार्केट आपके बेनिफिशरीज़ फ़र्क हैं यानी आपकी प्रोडक्ट कुछ और लोगों के लिए है पहली जो प्रोडक्ट्स थी वो कुछ और लोगों के लिए थी प्राइस डिफरेंस है या किस तरह से आपको उन पर लोगों पर एडवांटेज हासिल है जो पहले उस फील्ड में काम कर रहे हैं मार्केट एनालिसिस जो है उसमें आपके रिस्क फैक्टर्स और आपकी स्ट्रेंथ्स भी शामिल हैं आपको क्या रिस्क पेश आ सकते हैं हो सकता है आपकी प्रोडक्ट जो है वो ना सेल हो हो सकता है आपके जो बेनिफिशरीज़ हैं पोटेंशियल वो सेटिस्फाई ना हो उसके आपकी सर्विस के स्टैंडर्ड से हो सकता है उनकी एक्सपेक्टेशन आपकी सर्विस से फर्क हो मुख्तलिफ तरह के रिस्क जो हैं वो हो सकते हैं हो सकता है आपको दरमियान में फंडिंग मिलना बंद हो जाए तो मुख्तलिफ किस्म के रिस्क हैं आपको इसी स्टेज पर सोचना है कि इन रिस्क को आपने कैसे एड्रेस करना है किस तरह से मिटिगेट करना है उसके बाद जब आपके ने मार्केट एनालिसिस कर लिया तो ऑफकोर्स अब आपको चीजों को ऑपरेशनल करने के बारे में सोचना है स्पेस के क्वेश्चंस आपने कहाँ से काम करना है आपके पास जगह है क्या आपकी जो प्रोडक्ट या सर्विस है उसकी नेचर इस तरह की है क्या आपको एक फ़िक्स स्पेस चाहिए वो कहाँ पर है क्या वो कम्युनिटी के अंदर है आपके जो है एक्सेस वहाँ पे बेहतर है या कम्युनिटी की या दूसरे स्टेक होल्डर्स की आपको सोचना है आपके साथ आपकी जो टीम है वो कौन लोग हैं और उसमें आपके वॉल्टियर्स एज वेल एज़ पेड या हायर स्टाफ दोनों तरह के लोग शामिल हैं जिनको मिला के टीम बनती है जिन्होंने मुख्तलिफ ऑपरेशंस में हिस्सा लेना है मुख्तलिफ टास्क जो हैं उनको करने के हवाले से आपको टाइमिंग का सोचना है कि पहले कौन सी चीज़ें मुझे करनी हैं, उसके बाद क्या मेरे लिए चैलेंजेस होंगे और उसके बाद कौन से टास्क होंगे टाइमिंग रिसोर्स इंक्लूडिंग ह्यूमन रिसोर्स एलोकेशन ऑफ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये सारे के सारे ऑपरेशनल क्वेश्चंस हैं जिनके प्रोबेबली इस स्टेज पर जब आप अभी प्लान कर रहे हैं आपके पास कंक्रीट फिक्स्ड आंसर्स तो नहीं होंगे लेकिन एटलीस्ट आपने उनको एक थॉट देनी है ताकि आप प्रिपेयर्ड हों के जब वो मरहला आए तो उस वक्त आपके लिए करने के क्या क्या टास्क हैं और आखिरी आपका जो सेट ऑफ़ क्वेश्चंस है वो मैनेजमेंट के हवाले से है कि जब आपकी प्रोडक्ट या सर्विस जो है वो शुरू हो जाती है कम्युनिटी इन्वॉल्व है लोग इन्वॉल्व हैं उनको बेनिफिट डिलीवर होना है उनकी नीड को मीट करना है माशरे में एक तब्दीली लानी है और ये एक बहुत ही ह्यूज और चैलेंजिंग टास्क है मिशन और प्रॉफिट के दरमियान एक बैलेंस कायम रखना है सस्टेनेबलिटी के एलिमेंट्स हैं तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनको मैनेज करना है बाज़ा सोशल एंटरप्रेन्योर्स ख़ुद मैनेजर्स होते हैं बाज सोशल एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो विजनरी लीडर्स हो सकते हैं वो इनोवेटर्स हो सकते हैं लेकिन वो मैनेज नहीं कर सकते इस काम के लिए उन्हें बाकायदा क्वालिफाइड मैनेजर्स जो हैं वो हायर करना पड़ते हैं तो क्या आपके पास आपके ऑपरेशनस को मैनेज करने की जो ज़रूरत है उसके हिसाब से मैनेजमेंट या लीडरशिप मौजूद है ये वो सवाल हैं जो आपको प्लानिंग की स्टेज पर एड्रेस करने हैं जितने इनमें से क्वेश्चंस जो हैं पॉसिबली आप आंसर करते जाएंगे आपका प्लान उतना ही स्ट्रेटेजिक उतना ही सॉलिड होगा और उसकी कामयाबी के चांसेस आपके सोशल वेंचर्स के बढ़ जाएंगे थैंक यू